भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में। जननायक जनता पार्टी की तुलना में इंडियन नेशनल लोकदल को और बसपा गठबंधन को कुछ सीटें आने की उम्मीद है। जननायक जनता पार्टी चूंकि सरकार में शामिल थी और जब अलग हुई तो उसके बाद लोगों में इस बात की नाराजगी थी कि आपने भाजपा को चुनाव से पहले समर्थन न देने की बात की और जैसे परिणाम आया भाजपा के साथ चले गए। और आम आदमी पार्टी भी पहली बार 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो सभी की कोशिश है कि सत्ता में नहीं तो अपनी उपस्थिति दर्ज हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और कुछ दिन ही बाकी बचे हैं, जबकि प्रचार की बात करें तो शायद कुछ घंटे ही बचे हैं। सभी पार्टियां जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी जद्दोजहद कर रही हैं सत्ता को हासिल करने के लिए। आइए जानते हैं, मेरे साथ हैं बलवंत तक्षक जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं और हरियाणा के एक दिग्गज पत्रकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि पिछले दिनों प्रचार में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगाया, क्या माहौल बना है हरियाणा का, आइए इस बारे में बात करते हैं। बलवंत तक्षक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया दत्त साहब, शुक्रिया। तक्षक जी, अभी तक सभी पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, सभी के स्टार प्रचारक जो थे उन्होंने अपना अपना जोर लगाया और अभी कल तक जो है प्रचार वो बंद हो जाएगा। क्या लगता है कि किस तरह का माहौल बन रहा है, लोगों में क्या हवा है, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल इस समय हरियाणा में बन रहा है। देखिए राजेंद्र जी, इस समय मुख्य मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है जी। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में है जी। इस लड़ाई को तिकोना बनाने की कोशिश में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो मायावती जी भी हरियाणा में रैली कर चुकी हैं, इनेलो भी अपनी रैलियां कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी अपनी पार्टी के लिए जोर लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो दूसरी तरफ जो है जननायक जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वो भी अपनी पार्टी की जीत के लिए कोशिश में है। उनकी पत्नी नैना चौटाला कोशिश में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला मैदान में है, और उनके बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला के अलावा जो आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद वो भी उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं जजपा के जी। और आम आदमी पार्टी भी पहली बार 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं जी। तो सभी की कोशिश है कि सत्ता में नहीं तो अपनी उपस्थिति दर्ज हो। जननायक जनता पार्टी चूंकि सरकार में शामिल थी और जब अलग हुई तो उसके बाद लोगों में इस बात की नाराजगी थी कि आपने भाजपा को चुनाव से पहले समर्थन ना देने की बात की और जैसे परिणाम आया भाजपा के साथ चले गए। तो लोकसभा चुनाव में भी जजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और विधानसभा चुनाव में भी शायद बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। जननायक जनता पार्टी की तुलना में इंडियन नेशनल लोकदल को और बसपा गठबंधन को कुछ सीटें आने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने की कोशिश में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टार प्रचारक जो थे भाजपा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए जी, अमित शाह साहब आए जी, नड्डा साहब आए, स्मृति ईरानी जी आई, और भारतीय गडकरी साहब आए जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए जी, 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 और राजस्थान से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी आई जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्र में जो हरियाणा के साथ लगती हुई सीमाएं हैं वहां के पड़ोसी राज्यों के बड़े नेताओं को हरियाणा के चुनाव प्रचार में मदद के लिए बुलाया। वो आए और उन्होंने भाजपा की खूब जोरदार तरीके से पैरवी की। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का तो आपको मालूम ही है, 3-4 दिन का हरियाणा का लास्ट में दौरा रहा है, शुरू किया। प्रियंका गांधी जी आज जुलाना में गई थी जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, राज बब्बर साहब ने रोड शो किया, और अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कांग्रेस की मदद में प्रचार किया है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और उदय भान जी वो तो पार्टी की जीत के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा राजेंद्र जी, सबकी सुन रहे मतदाता, हर पार्टी की तरफ से लोगों को लुभाने की कोशिशें की जा रही है, बड़े बड़ी घोषणाएं की जा रही है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, और चुनाव के बाद जो कोई कुछ भी वादा करे, जो पार्टी सत्ता में आएगी उस पर बोझ रहेगा कि चुनावी वादे कितनी जल्दी पूरे किए जाएं और कैसे पूरे किए, कैसे पूरे होंगे। अभी तो सुन रहे हैं 5 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबाएंगे उसके बाद ये जिम्मेदारी तय होगी
कि किस पार्टी की सरकार बननी है और किसने उन वादों को पूरा कैसे पूरा करना है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे राजनेताओं की, तो जो दल बदल का जो सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। जब से ये उम्मीदवारों की सूचियां जारी हुई तब से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अब तक, जबकि सिर्फ एक या दो दिन रह गए हैं प्रचार में, एक दिन रह गया और दो दिन शायद रह गए हैं चुनाव में, तो अभी भी जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। पिछले कल भी एक लीडर ने पार्टी बदली है और आज की जो घटना है, आज भी जजपा के एक किसी लीडर ने पार्टी छोड़ी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर ने भी किसी ने पार्टी छोड़ी है। तो ये जो सिलसिला है इसका क्या, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या असर रहेगा। देखिए पहले तो लड़ाई होती टिकट की, किसी पार्टी में कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसकी इच्छा होती है उसको टिकट मिल जाए जी। टिकट नहीं मिलती तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होता है, बिल्कुल ठीक है। और किसी पार्टी की टिकट मिल गई, जीतने की संभावना नहीं दिखती कि लोग समर्थन में नहीं आ रहे, तो फिर वो किसी न किसी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में बैठ जाता है। आजाद उम्मीदवार ये सोचते हैं कि अगर मैं जीत गया और सत्ता किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो हो सकता है मेरी लॉटरी निकल जाए। कई तरह की सोच के साथ आदमी मैदान में उतरता है जी। कल की जो आपने बात की, पूर्व मंत्री हैं विक्रम यादव जी, जो कोसली क्षेत्र से चुनाव जीते 2014 में जी, 2019 में भाजपा ने टिकट नहीं दी वो चुप रहे, 2024 में जो मौजूदा विधायक थे वो रेवाड़ी चले गए, तो उनको उम्मीद थी शायद मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, नहीं दी। उन्होंने चेतावनी दी कि देखिए मैं फिर बगावत करूंगा जी, तो उन्होंने कल पार्टी छोड़ी है और वो कांग्रेस के साथ लग गए हैं या लग जाएंगे मतदान तक, ताकि जो उम्मीदवार है अगर वो चुनाव जीतता है तो विक्रम यादव का ध्यान रखे, वो इस मकसद से उनके साथ आएंगे। और आपने जो आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जो बात की है वो ये ठीक है कि नीलोखेड़ी जी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने सरदार अमर सिंह को टिकट दिया था जी। सरदार अमर सिंह आज चंडीगढ़ सेक्टर 9 कांग्रेस मुख्यालय में आए और प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं उनकी मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारी घोषित होने के बाद, कुछ दिन प्रचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब मुझे कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। तो वो बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने कहा नीलोखेड़ी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं धर्मपाल गोंदर जी, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि 25 साल से मैं गुरु घर से जुड़ा हुआ हूं, उनकी सिख समाज में एक अपनी जगह जगह है, तो उनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए और अगर वोट बंटते हैं तो हो सकता है भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला बराबरी का हो। ऐसे में उन्होंने चुनाव से ठीक 3 दिन पहले पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली ताकि कांग्रेस उम्मीदवार धर्मपाल गोंदर की जीत उनके समर्थन से पक्की हो सके। और बाजवा साहब ने भी तहे दिल से उनका स्वागत किया है और कहा कि जो भी उनका हक बनेगा पार्टी उनका मान सम्मान करेगी। दूसरी बात है पानीपत से ग्रामीण क्षेत्र की जी, वहां से जननायक जनता पार्टी ने रघुनाथ कश्यप को टिकट दिया था। रघुनाथ कश्यप पहले बीजेपी में होते थे, टिकट के उम्मीद रखते थे, टिकट नहीं मिली तो जजपा के टिकट पे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पानीपत ग्रामीण शहर में जो समर्थन की उम्मीद थी वो समर्थन उनको नहीं मिला जी, तो वो भी चुनाव से 3 दिन पहले, मतदान से 3 दिन पहले उन्होंने मोहनलाल बड़ोली जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब की अगुवाई में आज फिर से भाजपा ज्वाइन कर लिए। यानी कि जननायक जनता पार्टी ने 2 लोगों को टिकट दिया, जननायक जनता पार्टी ने 1 को, वो भाजपा में वापस आ गए, आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया अमर सिंह को, वो कांग्रेस में चले गए। और ऐसा नहीं, चुनाव से पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि भाई टिकट के किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर ज्यादा दावेदार है जी, 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 तो कुछ बगावत करेंगे, कुछ पार्टी छोड़ेंगे। तो मैं आपको कहूंगा रादौर में राणा साहब है जी, जो भाजपा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे थे, वो पार्टी छोड़ गए थे, इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने उन्हें टिकट की भी घोषणा कर दी कि हमारे उम्मीदवारों के टिकट की घोषणा के बाद वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से उन्होंने टिकट ले लिया और वो रादौर से चुनाव लड़ रहे हैं। और टिकट के वहां जो दावेदार थे कर्णदेव कंबोज, उनकी टिकट कट गई तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि मैं रादौर से भाजपा के उम्मीदवार राणा और इंद्री क्षेत्र से जहां से वो पहले जीते थे और मंत्री बने थे जी, वहां भी भाजपा की दोनों सीटों पर हार निश्चित करने के लिए कोशिश करूंगा और कांग्रेस में शामिल हो गए और इन दोनों सीटों पर भाजपा को हराने में लगे हुए। तो ये सिलसिला तो लगातार चलने वाला है। हरियाणा तो राजेंद्र जी अब
पूरे देश में आयराम गैराम के नाम से जाना जाता है। शुरुआत भी मेरे को लगता है आयराम गैराम की हरियाणा से हुई थी और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। जी, हरियाणा की राजनीति में बड़े इंटरेस्टिंग पहलू रहे हैं। आयराम गैराम वाली बात तक आपने आज याद कराई है, तो कहीं ना कहीं ये आयराम गैराम वाला जो सिलसिला है वो हरियाणा से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है और मतलब उस दस्तूर को बरकरार रखे हुए हैं सब लीडर। बिल्कुल। तो ये जो सिलसिला है ये बिल्कुल चुनाव के जब आके बिल्कुल आखिर में आता है तो क्या संदेश क्या जाता है आम लोगों में, क्योंकि देखिए एक जो लीडर होता है उसके साथ कुछ जनमत जुड़ा होता है, लोग जुड़े होते हैं, लोगों को कैसा फील होता है? अब दिक्कत तो यही आती है, कार्यकर्ता तो लड़ मरते हैं, नेता तो आज जी दूर दूर है, कल फिर एक साथ हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा जी जो हर आदमी के समझ में आएगा जी, चौधरी बंसीलाल और धर्मवीर जो भाजपा के सांसद हैं जी, उनका आपस में तोसाम में मुकाबला होता था जी। वो तोसाम बंसीलाल जी का गढ़ है, उनके परिवार का गढ़ है। चौधरी बंसीलाल वहां से जीते, फिर उनके बेटे सुरेंद्र वहां से जीते, फिर उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी मैडम वहां से जीती जी, फिर उनकी बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रही जी। तो वो या तो वो कांग्रेस में रहे या बंसीलाल जी की जब कांग्रेस नेतृत्व से नहीं बनी तो उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और भाजपा के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाई 1996 में, और फिर उन्होंने अपनी पार्टी का सरकार गिरने के बाद कांग्रेस में विलय कर लिया। लेकिन धर्मवीर भाजपा में चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। तो वहां जो भिवानी जिले में एक तरह से दो स्तंभ हैं, एक बंसीलाल परिवार, दूसरे धर्मवीर। धर्मवीर की खासियत यह है कि वो चुनाव हारने के बजाय आमतौर पर जब दल बदलते हैं तो उस पार्टी में चले जाते हैं जो जीतने वाली होती है, और वो 3 बार सांसद बन गए हैं। उनके नाम एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने चौधरी बंसीलाल को चुनाव हराया, उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को चुनाव हराया, उन्होंने उनकी बेटी श्रुति चौधरी को चुनाव हराया, यानी कि 3 पीढ़ियों को हराने का श्रेय धर्मवीर को है। और अब वही धर्मवीर जब किरण चौधरी मैडम भाजपा में आ गई और राज्यसभा में चली गई तो उनकी बेटी को तोसाम से टिकट मिली है, और धर्मवीर जी जान से जो आज तक बंसीलाल परिवार के खिलाफ पूरी ताकत लगाते थे, अब उन्होंने पूरी ताकत श्रुति चौधरी को जिताने में लगाई। तो राजनीति में जो कार्यकर्ता है वो पिटते रहते हैं, नेताओं कब दूर हट जाए कब एक साथ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी पिछले दिनों एक चर्चा चली थी कि हरियाणा में भी अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो डेरावाद इस पर भी हावी है। कई सारे ऐसे डेरे हैं जहां जाकर राजनेता जो है अपनी नाक रगड़ते हैं और खासकर इलेक्शन के दिनों में उनके चरणों में जाके बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक, बहुत ज्यादा जनमत उनके साथ जुड़ा है। अभी डेरा सच्चा सौदा की बात करें तो गुरमीत राम रहीम जो है वो पैरोल पर आ गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था कि भाई इलेक्शन के समय पे इनको इस तरह से पैरोल देना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी है वो इनको प्रभावित कर सकती है क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा पब्लिक जुड़ी है, लोग जुड़े हैं, जनमत जुड़ा है। तो क्या हुआ उस लेटर का, क्या बना और क्या आगे उनकी पैरोल जो है उसका क्या असर हो सकता है राजनीति पे? देखिए हरियाणा सरकार ने जी उनको पैरोल देने से पहले इलेक्शन कमीशन से ही तो मंजूरी ली है जी। वो उन्होंने एक अर्जी आई, जिला प्रशासन ने वो अर्जी आगे चुनाव आयोग को भेजी, चुनाव आयोग ने उनको परमिशन दे दी, लेकिन साथ में कुछ शर्तें लगा दी कि आप इलाके में हरियाणा में प्रचार नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर कोई संदेश नहीं देंगे, कोई बैठक नहीं करेंगे और किसी से भी मिलके कोई अपील नहीं करेंगे। तो अगर इतनी शर्तें लगाई हैं तो उनको 5 तारीख के बाद ही अगर पैरोल देनी थी तो 5 के बाद दे देते। तो कांग्रेस की अर्जी का इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस लेगा मुझे नहीं लगता है, और नोटिस ले भी और 5 तारीख को मान लीजिए कोई फैसला भी करे तो उसका भी कोई मायने नहीं है क्योंकि सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस की अर्जी पर कांग्रेस की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा, इसकी संभावनाएं कम है। और दूसरा देखिए अर्जेंसी हो, परिवार में कोई बीमार हो, सख्त बीमार हो, मिलने के लिए जाना जरूरी हो जाता है, ऐसी सूरत में पैरोल या फरलो देने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन वो 15वीं बार जेल से निकल रहे हैं और जब अर्जी अप्लाई करते हैं उनको तुरंत मंजूरी मिल जाती है जी। हर कैदी के साथ पैसा नहीं होता, मैं इनको प्रायोरिटी इसीलिए मिलती है कि देखिए चुनाव में छोटी छोटी चीजें मिलके चुनाव जिताती हैं। बिल्कुल ठीक। तो भाजपा को लगता है कि अगर उनके बाहर आने से, उनके संदेश से ये मैसेज जाता है कि बाबा गुरमीत राम रहीम के प्रति भाजपा सरकार का रवैया सॉफ्ट है, उनको बार बार जेल से बाहर आने का मौका मिल रहा है,
तो अनुयायियों में भी एक मैसेज जाता है कि क्यों ना हम भाजपा को बिल्कुल बिल्कुल मैं मेरे दिमाग में बिल्कुल यही चीज चल रही थी। लेकिन लेकिन राजेंद्र जी वो कितना कारगर होगा। मतलब देखिए बाबा जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के नाते सिरसा में बैठते थे तो अनुयायियों की तादाद बेशुमार थी, लाखों की तादाद में अनुयायी थे जो आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत नहीं है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, फिर भी अपना कमाई का 10% हिस्सा उनको देते थे। लेकिन जब उनको सजा हुई उस आपको पता होगा पंचकुला में कितने लोग, मुझे बिल्कुल पता है उस चीज का, अच्छे से हम लोगों ने लाइव कवरेज दिखाया था उसका। अगर वो शक्तिशाली है, भगवान है, तो इतने लोगों की जान क्यों गई। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनका पहले वाला प्रभाव है, लेकिन भाजपा को अगर ये लगता है कि उनके आने से कुछ भी वोट अगर हमारे उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं तो नुकसान नहीं है, फायदा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार जीत 1,000, 2,000, 5,000 वोटों से होती है, और वो हार अगर बाबा जीत में बदल सकते हो जो कि भाजपा को उम्मीद होगी। देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं आपने एक बात कही कि उनको एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि आप सोशल मीडिया पे मैसेज नहीं दे सकते, आप बैठक नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ आपने जवाब साथ में ये भी दे दिया कि उनका बाहर आना बार बार सीधा एक मैसेज जाता है उनके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कि ये सरकार जो है उनको फेवर कर रही है, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है। तो बिल्कुल इलेक्शन के समय पे उनका इस तरह से पैरोल पे आना, हर इलेक्शन से पहले, कहीं ना कहीं संदेश जो है वो कुछ और तरह से जाता है लोगों के सामने। अभी की जो बात करें, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को समझ आ गई कि किस तरह के हरियाणा में समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रचार जो है वो कल खत्म हो जाएगा जी, ये जो एक दिन जो बीच में रहेगा कल और आज का, इस दौरान पार्टियों का क्या किस तरह का जो सिस्टम है वो रहेगा प्रचार को खत्म होने से पहले लोगों तक पहुंचने के लिए, पार्टियां किस तरह की कोशिश कर सकती हैं? देखिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तो डोर टू डोर कैंपेन रह जाता है, समय आप नहीं कर सकते जी। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, उसकी कोशिश रहेगी कि जितने लोगों से संपर्क हो जाए, राम राम हो जाए, उसके दरवाजे पर दस्तक दी जा सके, उसकी कोशिश रहेगी। और 4 तारीख की रात को कत्ल की रात कहते हैं जी, बिल्कुल, कि किसी एक को जीतना है जितने भी उम्मीदवार हैं, और पता भी होता है मतदाताओं को कौन जीत रहा है, लेकिन हर एक मतदाता की इच्छा ये भी रहती है कि मुझसे उम्मीदवार संपर्क करे, क्योंकि उसने 5 साल में एक बार संपर्क करना है, बिल्कुल, लोगों को 5 साल फिर जीतने वाले के दरवाजे पर जाना है। तो ऐसे में एक दिन के जो बादशाह हैं वो चाहेंगे कि वो जितना लोगों से मिल ले उतना लोगों को ठीक लगेगा, और हर उम्मीदवार की कोशिश भी रहेगी कि एक दिन में जितना वो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से मिलने की कोशिश करेगा, और जितना ज्यादा मतदाताओं से मिलेगा उतना ही उसका हौसला और मजबूत होगा। तो मैंने जैसे पहले कहा, लड़ाई तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, भाजपा को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता में आने के लिए कोशिश करनी है, बिल्कुल, और 10 साल से बाहर कांग्रेस ने एक बार फिर सत्ता हासिल करनी, बिल्कुल बिल्कुल, अपने 10 साल के सूखे को कहीं ना कहीं वो खत्म करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस वाले, और पूरा जोर उनका रहेगा इस बार। मैं तो यही कहूंगा सबकी सुनने वाला मतदाता जी जी, 5 तारीख को अपने मन से ईवीएम का बटन दबाएगा, 8 को हमको और आपको पता लग जाएगा हरियाणा के मतदाता ने किस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। सो दोस्तों, हरियाणा के चुनाव 5 अक्टूबर को है, 5 अक्टूबर को क्या होगा ये सब 8 अक्टूबर को मेरे आपके और सबके सामने आ जाएगा, किसके सर सजेगा ताज, ये चीजें भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। खैर दोस्तों, प्यार और सद्भावना बनाए रखें, वोट का मौसम है, वोट के मौसम में आपसी प्यार सद्भावना और अपने विचारों को बनाए रखें ताकि जो आपसी प्यार है वो खराब ना हो। वोट तो आएंगे चले जाएंगे, लीडर आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका संगी, वो आपके साथ रहेगा। इलेक्शन के समय ऐसी कोई बात ना कहें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, और अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और आगे की अपडेट जानने के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके कमेंट करिए। आपके कमेंट का, आपके किसी भी सुझाव का हमारी तरफ से बहुत ज्यादा स्वागत है, और देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। बलवंत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया।